और पंजाब में मुझे बेहद खुशी है ये कहते हुए कि आज 2 साल के बाद पंजाब के बच्चे बच्चे से पूछ लो, यहां तक कि दूसरी पार्टी वालों से भी पूछ लो, सब लोग एक ही बात बोलते हैं, 75 साल में ऐसी सरकार हमने नहीं देखी। बच्चा बच्चा पंजाब का बोलता है 75 साल में ऐसी सरकार हमने नहीं देखी। इतनी ईमानदार सरकार, इतनी मेहनती सरकार, रोज नए नए आइडिया लेके आते हैं, नए नए आइडिया लेके आते हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जब पंजाब के अंदर पूरी नेगेटिविटी होती थी, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, महंगाई थी, बिजली के बिल बढ़ रहे थे लोगों के, बिजली आती नहीं थी, किसान दुखी थे, व्यापारी दुखी थे, व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति छोड़ छोड़ के जा रहे थे, चारों तरफ नेगेटिविटी 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 थी पंजाब के अंदर। आज चारों तरफ पॉजिटिविटी है, व्यापारी वापस आ रहे हैं, उद्योगपति वापस आ रहे हैं, ढेरों उद्योगपति अब पंजाब के अंदर अपनी इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, बच्चों को रोजगार मिल रहे हैं, नौकरियां पक्की हो रही हैं, रोज इतने मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन हो रहा है, नए नए मोहल्ला क्लिनिक, कोने कोने में मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। पंजाब के लोगों की बिजली मुफ्त हो गई, और क्या चाहिए। पहले 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे बिजली मिलने लगी है। शानदार स्कूल बन रहे हैं, लोगों को विश्वास नहीं होता ऐसे सरकारी स्कूल हो सकते हैं। खूब काम हो रहा है चारों तरफ। पहले कर्मचारी टंकियों पे चढ़े रहते थे, अब वो टीचर पक्के हो गए और वो अपने स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं। अब आपको टंकी पे कर्मचारी चढ़े हुए नहीं मिलेंगे। खूब काम चल रहा है, लेकिन अभी खूब काम करना बाकी है, बहुत काम करना बाकी है। पंजाब के लोगों को हम अपना माई बाप मानते हैं, जनता माई बाप होती है, सरकार नौकर होती है, जनतंत्र के अंदर सरकार नौकर होती है, जनता मालिक होती है। हम पंजाब की जनता को अपना मालिक मानते हैं, हम सेवक हैं, जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, हम भगवान के भक्त हैं। तो जैसे भक्त अपने भगवान के पास जब जाता है तो और मांगता है, और मांगता है, और मांगता है, ऐसे ही हम पंजाब की जनता से अब और मांगने के लिए आए हैं। आपने हमें 117